तो अभी हम आए हैं दक्ष मंदिर। तो यार गजब लग रही है यार, तो मतलब वीडियोस में तो ऐसी इतनी अच्छी लग रही है यार। लोग बाग जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहे, क्या करूँ मैं। कैमरा नया तो जब लिया जाएगा ना, जब सपोर्ट करेंगे बढ़िया व्यूज आएंगे। हम अंकल के घर पे पहुंच गए और मुझे लग रहा है यहाँ पे फंक्शन ही नहीं हो रहा। तो अभी फिलहाल हम आए हुए हैं भाभी जी की, रुक तो जा, भाभी के ताई जी के घर पे आए हैं। और वैसे हम अभी बालकनी में हैं, जैसा सुजल ने कहा थोड़ी देर पहले। और सनसेट हो रहा है, मस्त सूरज ढलने लग रहा है। चले नाश्ता ले ले, चलो। और यहाँ पूरी सभा लग चुकी है, अभी नाश्ता लेते हैं अभी। अभी नाश्ता वगैरह तो सब हो गया था, अभी कहीं घूमने चलते हैं हरिद्वार में ही। हेलमेट के बिना काम नहीं चलेगा, बाहर रुक पड़ेगी क्या, तो पुलिस वाले रोक लेंगे अगर हेलमेट नहीं हुआ तो। अच्छा जी, चले राम राम जी वाली बाइक लेके चलते हैं। तो लूना पाया गया सुजल, तू गलत चप्पी दे दी। चलो हाँ, हेलमेट लेके चलते हैं। अभी हरिद्वार की गलियों में घूम रहे हैं, सुबह में एक बाइक पे और निखिल भैया और सुजल एक स्कूटी पे, लूना पे बैटरी की है, वो तो आवाज़ भी नहीं कर रही। पता चला रास्ते में खड़ी होगी, सुजल खड़ा हुआ देख रहा। तो मान लेगा ये 30-40 तो चल लेती होगी, 38 किलोमीटर नहीं किलोमीटर पर आवर। अच्छा फुल स्पीड है 38। कहाँ जंगलों में लेके जा रहा, पता नहीं सुजल कहाँ लेके जा रहा है जंगलों में भाई। यहाँ पे तो हवा ही चेंज हो गई पूरी, ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है। आश्रम अच्छी लगा है घूमने के लिए। तो अभी हम आए हैं दक्ष मंदिर। लाइट भी चेंज हो रही है मंदिर की, सस्ती है ना, सस्ती है। कितने रुपए यूनिट है यहाँ पे, एक रुपए तीन रुपए बड़ोत में, ज्यादा होगी 6 रुपए। अच्छा लग रहा है, प्रवेश द्वार आगे है, इधर की साइड है गंगा घाट। यही बहुत बड़ा पेड़ है और इसका जो नीचे का हिस्सा है कितना चौड़ा है, बिल्कुल ब्लू ब्लू पानी लग रहा है। पता नहीं कैमरे में साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल साफ है भाई। इसकी जड़ शुभम लगभग 2-3 मीटर की होगी आराम से। तो इस पेड़ की जो जड़ है कितनी चौड़ाई होगी, मतलब 10 मीटर। अरे नहीं यार, अच्छा सर सर हम फ्रेश की बात कर रहे हैं क्या पूरी, या चौड़ाई में चौड़ाई की बात कर रहे डायमीटर की? नहीं नहीं मैं डायमीटर कह रहा, डायमीटर 2-3 मीटर होगा आराम से। 8 मीटर नहीं सर, 2 से ज्यादा, 5 मीटर मानना। 5 मीटर बहुत हो भाई। देखो भाई अवंती डिजाइंड बाई DC दीपक छापर। अरे वो खतरनाक लग रही है भाई। तो अभी हम बस नॉर्मल रास्ते से गुजर रहे थे तो मेरी नज़र पड़ गई कि भाई अवंती खड़ी है, तो मैंने एक बार आके देखते हैं। तो यार गजब लग रही है यार, तो मतलब वीडियोस में तो ऐसी इतनी अच्छी लग रही, लेकिन मेरे सामने से देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी चोरी कार है भाई। तो अभी फिलहाल हम घर पर आ गए थे और काफ़ी जल्दबाजी में हमने कार देगी, क्योंकि भैया जो है गैराज बंद पड़े रहते थे जिनकी वो कार थी। तो काफ़ी जल्दी में एक दो फोटो लिए और थोड़ी सी वीडियो बना पाया मैं, और फिर भैया कहने लगे कि मुझे जाना है, तो इस वजह से फिर हमने सोचा चलो ठीक है भाई, दूसरे की अपनी गाड़ी थोड़ी है यार कि रुकवा लो कुछ भी कर लो। तो फिर हम आ गए थे और अभी घर पे हैं, सब यही बैठे हुए हैं, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, आ जाएंगे सुजल पाकिस्तान के बॉर्डर पे। अभी हम जाएंगे अंकल के घर पे, वहाँ पे फंक्शन है और सब रेडी हो रहे हैं। भाभी पता नहीं रेडी हुई नहीं हुई, शुभम तो हो गया शायद, शुभम तो हम तो रेडी हैं शुभम तो पहले से। ओ गुड़िया अब भी चलोगे, याद है लड़की करके दिखाइए गुड़िया कैसे करती थी, वहाँ बैठे वहाँ मौज करती। एक बार सर मारी है यार। लोग बाग जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहे, क्या करूँ मैं। कैमरा नया तो जब लिया जाएगा ना, जब सपोर्ट करेंगे बढ़िया व्यूज आएंगे। और नंगे भूत शोरे तैयार हो जा, लेट होने लग रहे हम, चल साढ़े तेरी खालता हूँ मैं, चल 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 जल्दी चल, पकड़ियो इसे तैयार करो इसे, इसे देख नंगा ही घूम रहा, चल यहाँ से मोसेस के धर दो। लो शुभम आ गया,
लगा चल अब पूरा डेटा हो गया, सुनता नहीं बिल्कुल भी। अभी मैगी खाते हैं गरम गरम, भाई बहुत धुआं निकल रहा है इससे तो। ओ भाई चलो चलो चलो, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। सौर्य ने काफ़ी लेट करवा दिया, कभी कुछ, और मोचा परेशान हो रही थी कपड़ों में। पहले जो है इसने काफ़ी फैंसी कपड़े से पहन लिए थे, तो फिर अभी सिंपल पहनाए तो रो रही थी, काफ़ी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई ना अभी। चलो भाई हम अंकल के घर पे पहुंच गए, और मुझे लग रहा है यहाँ पे फंक्शन ही नहीं हो रहा, कहीं और हो रहा है। पापा ने बोला था कि घर पे चले जाना सीधे, हम घर पे आ गए। वैसे टेंट वगैरह तो लगा हुआ है, तो अंकल को फ़ोन ही करना पड़ेगा एग्जैक्ट लोकेशन पूछने के लिए। अच्छा हाँ हाँ, हमारे साथ बैठ लेंगे, क्या दिक्कत है। आ जाओ पानी पीना था, और बाहर देखा तो यहाँ पे होली का दहन चल रहा है। अच्छा सोरिया चलेंगे।
सोरिया चले अंकल जी ठीक है बेटा। अच्छा नमस्ते अंकल। अभी भाई फाइनली निकलते हैं यहाँ से और बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। मैं तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, पता नहीं एडिटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो वो तो खैर घर पे जाकर पता चलेगा क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही है। डेयर वाला गेम है क्या इसे घुमाने से? डेयर भी मिलेगा और सो गाइज अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 1:56 AM और मैं जस्ट अभी अपने व्लॉग की एडिटिंग कर रहा था और आज इस रूम में शुभम सो रही है और मैं सोने वाले हैं, तो अभी जस्ट सो रही है, शांत हुआ है थोड़ी देर पहले, नहीं तो अभी तक रो रहा था। और हमने भी काफ़ी सारी मस्ती की, सबके सब बाहर बैठ के अंताक्षरी खेले थे, डेयरिंग वाला गेम खेले थे, काफ़ी सारा मज़ा आया। आप लोगों ने देखा ही होगा कि भैया ने भाभी को प्रपोज भी किया था तो भाई सच में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया है। तो अभी फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं भाई, ऑलरेडी लेट भी काफ़ी हो गया है और शाम बाबा का जागरण भी था और वहाँ पे भी हमने होली खेली, तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के दिन में सच में। और रोड पे तो आपने देखा ही होगा भाई, मतलब एक वो बाइक वाला था कितना कैसे चला रहा था वो बाइक, और वो ट्रैक्टर पलटा हुआ था, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली, मतलब बहुत ही अजीब सी, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया आज हमने। सुबह के टाइम होली पूजी थी, तो ये सब आप लोगों ने आज के व्लॉग में देखा है, तो काफ़ी सारे मज़े किए हमने सच में, आज मज़ा आ गया। तो कल को होली भी खेलनी है भाई, तो उसका व्लॉग अलग आएगा, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट होने वाला है। तो गाइज ये व्लॉग कर देते हैं अभी यहीं पे, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो पता नहीं कितने व्लॉग बनेंगे, तो मे भी दो ही बनाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा हमारे साथ। तो गाइज आप लोगों से हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।